अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ इंडिपेंडेंट और नॉट। सबसे पहले हम फॉरेन पॉलिसी समझ लेते हैं कि वो क्या है। फॉरेन पॉलिसी इज़ बेसिकली जनरल ऑब्जेक्टिव्स दैट गाइड द ऑब्जेक्टिव्स एक्टिविटीज़ एंड रिलेशनशिप ऑफ वन स्टेट इन इट्स इंटरेक्शन विद अदर स्टेट्स। यानी सिंपली अगर हम इसको समझाएं तो मतलब कि एक स्टेट दूसरे स्टेट्स के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखेगी, ये उसको गाइड करता है, या आपकी फॉरेन पॉलिसी उसके लिए एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। जैसा कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप्स डिवेलप करेगा, फ्रेटरनल रिलेशनशिप डिवेलप करेगा, और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। और हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा ये भी है कि पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस पैलेस्टीनियंस आर गिवन अ सेपरेट स्टेट। अब हम डायरेक्टली टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर हम पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करें तो इस मामले में डिबेट की जा सकती है कि क्या कभी पाकिस्तान के पास एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी भी या नहीं। तो इसका एग्ज़ाम्पल एक जो है एग्ज़ाम्पल पेश करते हुए डॉक्टर मलिहा लोधी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और उन्होंने ये बात की थी कि हमारी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रही है। और उसका एक आउटस्टैंडिंग एग्ज़ाम्पल ये है कि पाकिस्तान ने एटम बॉम्ब बनाया, डिस्पाइट के पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, पाकिस्तान को बहुत सारे सेंक्शंस और वेस्ट से काफ़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा था, उसके बावजूद पाकिस्तान ने एटम बॉम्ब बनाया क्योंकि पाकिस्तान ये समझता था कि उसके नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत अहम स्टेप है। तो इसीलिए पाकिस्तान इस पर किसी भी हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। दैट इज़ वाई चाहे वेस्ट की तरफ से कितने सेंक्शंस लगाए गए, चाहे कितना ही क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, चाहे कितने ही ऑब्स्टिकल्स आए इस सारे प्रोसेस में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान फर्मली अपने इस प्लान पे कायम रहा और आखिरकार पाकिस्तान ने एटम बॉम्ब बनाया। क्योंकि जब 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर धमाका किया 1974 में, तो उसके बाद पाकिस्तान ने ये सोच लिया था कि वो भी अब एटम बॉम्ब बनाएगा, क्योंकि इंडिया उसका एक हॉस्टाइल नेबर था। ठीक है, तो अगर इंडिया और एटम बॉम्ब बना लेता तो ऑब्वियसली उससे एक जो बैलेंस ऑफ पावर था वो डिस्टर्ब हो जाता रीजन में। ऑलराइट, सो पाकिस्तान ने इसके फैसला किया कि पाकिस्तान एटम बॉम्ब ज़रूर बनाएगा। इसी वजह से जब पाकिस्तान ने इस सारे प्रोसेस के काम को शुरू किया तो सबसे पहले हमें समझ में ये बात आती है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एरा चल रहा था तो उस टाइम में ही ये सोचा गया था कि पाकिस्तान उसी दौर में इसी तैयारी कर रहा था कि एटम बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो फिर तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो उनका मोस्ट कोटेड रिमार्क है वो भी कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि अगर इंडिया ने एटम बॉम्ब बना लिया है तो पाकिस्तान भी बनाएगा, हम घास भी खाएंगे और भूखा रहना पड़ा तो वो भी रहेंगे, लेकिन हम अपने लिए भी एक एटम बॉम्ब ज़रूर बनाएंगे। तो ओवरऑल ये जो तमाम जर्नी रही स्टार्ट से एंड तक, जब तक कि पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर धमाका किया, तब तक ये एक ऑब्स्टिकल से भरपूर एक जर्नी थी। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान अपने स्टांस पे फर्म था और उन्होंने आखिरकार अपना जो मकसद था वो हासिल किया। और इस दौरान काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स चेंज हुई पाकिस्तान में, लेकिन तमाम गवर्नमेंट्स ने इस प्रोसेस को रोका नहीं, वेस्ट के प्रेशर में नहीं आए, बल्कि जो काम चल रहा था उसको और तेज़ रफ्तारी के साथ जारी रखा। बेसिकली वो ये कहना चाहती हैं कि कोई भी गवर्नमेंट वेस्ट के प्रेशर में नहीं आई। तो इन अ वे पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान वेस्ट का बहुत प्रेशर था। उसके बावजूद पाकिस्तान वो कर रहा था जो कि वो समझता था कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पेरेटिव है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि 1980s में पाकिस्तान US का एक मेजर एलाय था और वो US के साथ काम कर रहा था मिलकर, ताकि जो रशिया को है उसको अफ़गानिस्तान से बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो वो रशिया के अगेंस्ट वॉर में US की मदद कर रहा था पाकिस्तान, यानी उसका एक बहुत ही मेजर एलाय था। और उसी टाइम पाकिस्तान जो है
अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम भी कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा सीक्रेटली, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियली, ठीक है। लेकिन जब ये काम मुकम्मल हो गया, रशिया को निकाल दिया गया अफ़गानिस्तान से, तो उसके बाद 1990s का जब दौर आया, तो फिर क्या हुआ कि यूएस ने प्रेसलर अमेंडमेंट्स पास की, ठीक है, जिसके अंडर ये था कि पाकिस्तान पर यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाए गए, और उसकी वजह ये था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, यही वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान पर यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाए गए यूएस की जानिब से। इसके अलावा पाकिस्तान को काफ़ी वार्निंग्स दी गई और पाकिस्तान को काफ़ी थ्रेट्स भी दिए गए कि उनको किसी तरह की भी मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने उस तमाम प्रेशर को रेजिस्ट किया और प्रोटेस्ट किया यूएस के इस डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड पर, और पाकिस्तान ने, और एक तरह से पाकिस्तान जो है अमेरिका का मोस्ट अलाइड एलाय से अमेरिका का मोस्ट सैंक्शन फ्रेंड बन गया था, ठीक है। तो जैसे जैसे इस्लामाबाद पे प्रेशर बढ़ता था, उतना ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन बढ़ती थी हमारे पाकिस्तान के अंदर इस बात के लिए कि जो हमारा अपनी नेशनल सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन के लिए जो एम है, जो गोल है, हमें उसे एनी हाउ हासिल करना है, और जितना जल्दी हो सके हमें उस मकसद को हासिल करना है। सो बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट जो है एक्सटर्नल प्रेशर में नहीं आई, और सब ने यकज़बान होकर अपने इस नेशनल सिक्योरिटी के इस ऑब्जेक्टिव को डिफेंड किया, प्रोटेक्ट किया, और फाइनली अचीव कर लिया। सो मलिहा लोधी कहती हैं कि ये पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के एक आउटस्टैंडिंग एग्जांपल है। और इसके बाद डॉक्टर मलिहा लोधी ये भी आर्ग्यूमेंट देती हैं कि जब 1998 में मई के महीने में जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर धमाका किया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी जो न्यूक्लियर धमाका है वो करके जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया, ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया, ठीक है। लेकिन धमाका करने से पहले अमेरिका की तरफ से वार्निंग्स दी गई थी, उसके अलावा पाकिस्तान को काफ़ी इंसेंटिव्स भी ऑफ़र किए गए थे इन केस के पाकिस्तान धमाका नहीं करता, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद उस दौर में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, इस अमेरिकन ऑफ़र पे नो कहा, और जो उन्हें बेहतर लगा अपने मुल्क के लिए उन्होंने वही किया, और एज़ अ रिज़ल्ट पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर धमाका किया। एज़ अ रिज़ल्ट पाकिस्तान बिकेम अ डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर। एंड उसके बाद वो रेफरेंस देते हुए कहती हैं कि फ़ेरोज़ खान वो एक राइटर हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है ईटिंग ग्रास, उसमें जो पाकिस्तान का ये तमाम स्ट्रगल था एक न्यूक्लियर पावर बनने का, ये जो पूरा प्रोसेस था, जो उसमें पॉलिटिशियंस के साथ साथ जो हमारे साइंटिस्ट की खिदमात थी, उनको पूरा उन्होंने नरेट किया हुआ है बुक में ईटिंग ग्रास, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें रेफरेंस के लिए तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली उनका कहना है कि स्पेशली जो लोग ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान की कभी भी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं रही, तो फिर उन्हें ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि फिर उन्हें इस बात का आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान ने हमेशा ही सेंसिटिव मैटर्स पे अपनी जो है एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू किया है, और टाइम एंड अगेन अमेरिका को या फिर अदर पावर्स को नो कहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इसके अलावा डॉक्टर मलिहा लोधी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के को डिफेंड करते हुए एक और एग्जांपल देते हैं हिस्ट्री से कि जब 1950s का दौर चल रहा था, तो पाकिस्तान ने वेस्टर्न मिलिट्री अलायंसेस सीटो और सेंटो को ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन और इसके बावजूद पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को मजबूत कर रहा था चाइना के साथ, और पाकिस्तान तो एक फ़र्स्ट मुस्लिम कंट्री था जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज़ किया, ठीक है। और स्पेशली जब 1962 की इंडो साइनो वॉर हुई, तो पाकिस्तान ने उसके बाद काफ़ी हद तक जो है अपने रिलेशंस को चाइना के साथ मजबूत करने की कोशिश की, और वो इस बात पर एक एविडेंस के तौर पर कहती हैं कि जो फॉर्मर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं अब्दुल सत्तार, उन्होंने अपनी बुक में भी ये बात कही है कि यूएस वार्निंग्स वर कास्ट असाइड दैट इट वुड रिव्यू टाइज विद पाकिस्तान इफ़ इट बिल्ट रिलेशंस विद चाइना। सो बेसिकली शी सेज के पाकिस्तान जो है बीजिंग के साथ, चाइना के साथ तेज़ी से अपने ताल्लुकात को मजबूत कर रहा था,
बावजूद इसके कि यूएस की तरफ से उसे वार्निंग्स दी जा रही थी, बिकॉज यूएस चाइना को उस वक्त आइसोलेट करना चाहता था। लेकिन उसके बावजूद जब ये चाइना का एक तरह से एक डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान ने यूएस की मुखालफत के बावजूद भरपूर चाइना का साथ दिया और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत किया। और जो थ्रेट्स और वार्निंग्स मिल रही थी यूएस की जानिब से, उसको साइड पे रखा। और पाकिस्तान जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए परस्यू करना चाहता था, जो पॉलिसी पाकिस्तान ने, वही पॉलिसी परस्यू की। और पाकिस्तान के यही ताल्लुकात जो थे उन्होंने हेल्प किया 1971 की पाकिस्तान की वॉर के बाद, जब यूएस ने कोशिश की कि चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को एक हार्मनी की तरफ लेकर जाया जाए, तो उस टाइम पाकिस्तान ने ही एक पॉजिटिव रोल प्ले किया था यूएस और चाइना की रेप्रोचमेंट के लिए। और पाकिस्तान ने ही हेनरी किसिंजर जो थे उनके प्रेसिडेंट, उनका हिस्टोरिक ट्रिप जो था बीजिंग, उसको एक तरह से फैसिलिटेट किया था। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट शी सेज। लेकिन इसके अगेंस्ट एक और व्यू भी पाया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है कि जो रैपिडली चेंजिंग रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, उन्होंने यूएस को फोर्स कर दिया है कि वो पाकिस्तान पर मज़ीद अपना दबाव बढ़ाएं और हर एस्पेक्ट में पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश करें, हर मामले में पाकिस्तान पर प्रेशर डालें, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का प्योरली फॉरेन पॉलिसी का मैटर हो, या फिर वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कोई फ़ैसला हो, या पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से कोई फ़ैसला हो। बेसिकली अब ये वो वक्त है कि जब यूएस पाकिस्तान के तमाम मामलात में इंटरफेयर करना चाहता है और अपनी बात मनवाना चाहता है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल दौर है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और स्पेशली ये वो टाइम है कि जब पावर हमें एक पावर ट्रांसफ़र नज़र आ रहा है, कि पावर इज़ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, जो ईस्ट को स्ट्रेंथन करेगा अगेंस्ट वेस्ट। तो ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस तो शो करेगा वेस्ट, और इसमें पाकिस्तान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज़ वाई यूएस जो है काफ़ी पाकिस्तान पर हर मामले में प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। तो पास्ट से अगर कंपेयर करें तो ये हर हवाले से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मुश्किल दौर है, ठीक है। यूएस का प्रेशर सस्टेन करना इट्स क्वाइट अ चैलेंज। जैसा कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने चाइना का विज़िट किया और रशिया का भी विज़िट किया अगेंस्ट द विल ऑफ यूएस। वैसे तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करे, अपने जो दोस्ती के ताल्लुकात हैं उनको बरकरार रखने की कोशिश करे यूएस के साथ भी, लेकिन पाकिस्तान के लिए हालात को बहुत मुश्किल बनाया जा रहा है और पाकिस्तान बहुत स्ट्रगल कर रहा है कि वो किसी तरह एक वेल बैलेंस्ड पॉलिसी अडॉप्ट करे, जिससे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट जो है हर हवाले से प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। तो लेकिन यूएस ये चाहता है कि पाकिस्तान रशिया और चाइना के साथ अपनी इंगेजमेंट को रिड्यूस करे, जैसा कि हम देखते हैं अभी कि यूएस डिफेंस एनालिस्ट ने क्या कहा। पाकिस्तान इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, दे गॉट कॉट ट्राइंग टू बी न्यूट्रल ऑन यूक्रेन and cozy up to Russia so they can get trade and energy deals. But then remember, there's a new prime minister, right? So the question now is, Pakistan's got to make some choices. And the head of Pakistan's army came out and said, go Ukraine. Now, Pakistan's a democracy, but the army keeps really tight control of politics. So let's see. This is not a good time for Pakistan to try to be neutral. But Trey, you know, the big problem there is also China's inroads into Pakistan. Pakistan needs to support Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out of office a couple weeks ago. So it's time to cool it on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time. ओवरऑल ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई है, कीपिंग इन व्यू द चेंजिंग रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिटिकल
रियलिटीज़। ऑलराइट, सो इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैसे भी पाकिस्तान को अब ये बात समझ आ चुकी है कि वो चाहे कितना भी यूएस के साथ कॉपरेट करे, एट द एंड पाकिस्तान को यही कहा जाएगा कि डू मोर। और इस बात ने पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको काफ़ी अनॉय किया, और इसी वजह से पाकिस्तान ने ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है स्टांस लिया इस हवाले से कि अब मज़ीद पाकिस्तान किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि हर किसी के साथ दोस्ती रखना चाहता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान अब किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा, और पाकिस्तान वो सब करेगा जो उसके नेशनल इंटरेस्ट के लिए, जो उसकी सॉवरेनिटी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि पास्ट में भी पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं यूएस की डिमांड्स को पूरा करने के लिए, ऑलराइट, लेकिन उसके बावजूद यूएस कभी खुश नहीं होता पाकिस्तान से। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से यूएस का इंडिया की तरफ काफ़ी इंक्लिनेशन जो है बढ़ चुका है, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए रीजनल थ्रेट्स का बायस है। इसके अलावा पाकिस्तान को जो फाइनेंशियली और मिलिटरीली सपोर्ट करता था यूएस, अब वो तमाम सपोर्ट भी यूएस की जानिब से बंद हो चुकी है, डिस्पाइट पाकिस्तान सपोर्ट टू यूएस इन अफगानिस्तान। अगर इस वक्त में देखा जाए तो ऐसी काफ़ी सारी वजूहात हैं जिसकी बिना पर अमेरिका पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू नहीं करने देना चाहता, क्योंकि आप जानते हैं कि रिसेंटली जो अमरीकी फ़ौज का खला हुआ है अफगानिस्तान से, तो उसके लिए यूएस पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल समझता है। यूएस को लगता है कि जैसे जो यूएस की वहाँ पे डिफ़ीट हुई है अफगानिस्तान में, एक एम्बेरसिंग डिफ़ीट हुई है, उसकी वजह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान है। और आपने ये भी देखा होगा कि अफगानिस्तान से जाने के बाद यूएस कांग्रेस में पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बिल भी प्रेजेंट किया गया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान पर सेंक्शंस लगाए जाएं। ऑल्दो वो बिल पास नहीं हुआ, लेकिन ऐसा सच बिल वाज प्रेजेंटेड इन दी यूएस कांग्रेस। ठीक है, इसके अलावा जो पाकिस्तान की तरफ से इतनी सपोर्ट की जा रही है अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट की, यानी पाकिस्तान उसको रिकॉग्नाइज तो नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान वहाँ के लोगों के लिए एक आवाज़ उठा रहा है, सारी जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसको जगा रहा है, उनको ये मजबूर कर रहा है कि वो आगे आएं और अफगान लोगों की मदद करें, तो ये भी ऑब्वियसली नागवार गुजर रहा है यूएस पर। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान वही कर रहा है जो पाकिस्तान को अपने लिए बेहतर लगता है, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर अमेरिका को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, जिसकी वजह से अमेरिका रुकावटें खड़ी करना चाहता है पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के रास्ते में। और अगर हम पिछले साल की बात करें, जब इसराइल ने गाज़ा पर जंग मुसलत की हुई थी, जो मुसलसल 11 दिन चली, उस दौरान भी पाकिस्तान पर काफ़ी प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने खुलकर उस इसराइल को कंडेम किया और वर्ल्ड कम्युनिटी से भी कहा कि वो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठाएं, फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाएं और इसराइल को रोकें। मोरओवर, आप जानते हैं कि ट्रंप के दौरे हुकूमत में 2017 में ट्रंप ने इसराइल का जो दारुल हुकूमत है उसको जेरूशलम करार दे दिया था। ठीक है, यानी तेल अवीव से उसने अपनी एम्बेसी को शिफ्ट कर दिया टू जेरूशलम, और उसको खुले अल्फाज में इसराइल का दारुल हुकूमत भी करार दिया। और तब से पाकिस्तान पर मुसलसल एक प्रेशर बना हुआ था कि वो पाकिस्तान के वो इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करे, और ख़ास तौर पे जब अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए और कुछ अरब कंट्रीज़ ने, यूएई और बहरीन समेत एक दो और भी कंट्रीज़ थे जिन्होंने मिलकर इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया, उनके साथ अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए, उसके बाद ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर शदीद प्रेशर आया, यहाँ तक कि सऊदी अरब की तरफ से भी पाकिस्तान पर बहुत प्रेशर डाला गया कि वो इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करने के बारे में सोचे, ना सिर्फ सोचे बल्कि रिकॉग्नाइज़ भी करे, क्योंकि सऊदी अरब भी जानता है कि पाकिस्तान का एक ख़ास मकाम है इस्लामी दुनिया में, और इसीलिए सऊदी अरब चाहता था कि पहले पाकिस्तान जो है वो इसराइल को
कबूल करे, इसराइल को रेकग्नाइज़ करे, ताकि सऊदी अरब के लिए भी राह हमवार हो पाए, क्योंकि सऊदी अरब ने अंदरूनी तरीके से अपने रिलेशंस को बैक डोर चैनल के थ्रू अपने रिलेशंस को बहाल करने की कोशिशें कर रहा है ऑलरेडी। और पिछले साल कहा जाता है कि जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम नेतन्याहू, वो सऊदी अरब के जो नियोम सिटी है वहाँ पे भी वो जा चुके हैं, ठीक है, ये कहा जाता है। ऑल्दो ये प्रूव्ड मतलब इसकी तस्दीक सऊदी अरब की जानिब से नहीं की गई, लेकिन ये न्यूज़ इसराइल के अखबारों में छपी थी। बहरहाल यूएस की जानिब से इसराइल को मानने के लिए बहुत पाकिस्तान पर प्रेशर था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने उस प्रेशर को सस्टेन किया और हरगिज़ भी इसराइल को कबूल ना करने का जो अपना स्टांस है उसको बरकरार रखा हर हाल में। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि जिस एक के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते जा रहे हैं और उसमें पाकिस्तान हर दफ़ा यूएस के विशेस के अगेंस्ट खड़ा है, और यही तमाम बातें हैं जिसकी वजह से यूएस अब बुरी तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेयर कर रहा है और पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करने से हर तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है, जिसकी मिसाल ये है कि जैसे कि अभी जो हालात हैं पाकिस्तान में, कहा जा रहा है कि जो रिजीम चेंज हुआ है वो एक नॉर्मल रिजीम चेंज नहीं है, एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं था, बल्कि वो एक साजिश थी, एक अमेरिका की मुदाखलत थी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, जिसकी वजह से हमें ये रिजीम चेंज नज़र आया। और इसके पीछे यूएस का वही मकसद था कि पाकिस्तान में एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट लाई जाए और उससे वो तमाम काम लिए जाएं, वो तमाम काम करवाए जाएं जो कि यूएस चाहता है, ताकि आगे वो गवर्नमेंट ना हो जो यूएस को ना कहे, बल्कि यूएस की हर विश को पूरा करे और यूएस की हर बात को माने, चाहे वो फिर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हों या फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हो। तो इन्हीं तमाम बातों को सामने रखते हुए ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही मजबूती के साथ पेश किया जाता है कि पाकिस्तान के पिछले हालात से अगर आज के हालात को कंपेयर किया जाए तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि आज पाकिस्तान के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं, बहुत क्रिटिकल हैं, और पाकिस्तान के लिए एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करना बहुत मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि पहले एक तो चीज़ें ऐसी होती थी जो पाकिस्तान यूएस की विशेस के अगेंस्ट करता था, लेकिन अब जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हमारे सामने हैं उसमें पाकिस्तान को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत सी ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जो कि यूएस की विशेस के अगेंस्ट हैं। और क्योंकि यूएस एक ग्लोबल पावर है, सुपर पावर है, तो वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसकी विशेस के अगेंस्ट काम करे, और यही वजह है कि पाकिस्तान के हालात में, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में उसकी फॉरेन पॉलिसी को यूएस इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में यूएस अपनी डिफीट के लिए पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल करार देता है, और यूएस को ये भी नापसंद है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को किसी भी लिहाज से सपोर्ट करे। इसके अलावा यूएस ये भी नहीं चाहता कि वो अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाए चाइना के साथ, या चाइना के साथ अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक डिपेंडेंस को मज़ीद बढ़ाए, क्योंकि ऐसे करने से ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट ऑफ वेस्ट होगा बल्कि चाइना का इन्फ्लुएंस भी रीजन में मज़ीद बढ़ेगा। और इसके अलावा ऑब्वियसली यूएस ये भी नहीं चाहता कि रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़बूत हों, जो कि पास्ट में काफ़ी ख़राब रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड मैप पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन पे लाए करता है, और रशिया पाकिस्तान का साथ या पाकिस्तान को सपोर्ट इसलिए करना चाहेगा या उससे दोस्ती अब इस दौर में इसलिए करना चाहेगा क्योंकि अगर रशिया के साथ ट्रेड बढ़ती है, एनर्जी डील्स हो जाती हैं, तो इस तरह क्या होगा कि रीजन के अंदर ही कंट्रीज़ आपस में ट्रेड रिलेशंस को मजबूत बना लेंगी, एक तरह से ये वाला रीजन जो है वेस्ट के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
और इससे क्या होगा कि ये वाले रीजन के तमाम कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ऑफ वेस्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, और ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा नहीं होने देगा, और इसी वजह से वो इस रीजन को डीस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश करेगा। और वैसे भी चाइना के साथ तो पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर रशिया के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं तो फिर एक तरह से ये होगा कि जैसे इस रीजन से यूएस का इन्फ्लुएंस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, और यही वजह है कि शायद रशिया इसी वजह से पाकिस्तान का साथ देना चाहता है या उसके साथ अब अपने रिलेशंस को मजबूत बनाना चाहता है ताकि इस रीजन से यूएस के इन्फ्लुएंस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान के पास यही ऑप्शन बचता है कि वो अपने आप को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाए और जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपनी कोऑपरेशन को, अपने टाइज को मज़ीद स्ट्रेंथन करे, मजबूत करे, क्योंकि एट द एंड यही पाकिस्तान के काम आएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा एक फॉरेन पावर की फोर्स में, उसके इन्फ्लुएंस में काम नहीं कर सकता। और मोरोवर ये भी कहा जा सकता है, एक ये आर्गुमेंट भी दिया जा सकता है कि पास्ट में भी पाकिस्तान ने कुछ मामलात पे, जैसा कि डॉक्टर मलिहा लोधी ने बताया कि इन मामलात में पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू की थी, लेकिन तब वो दौर थे जब काफ़ी सारे ऐसे मामलात थे जहाँ पे यूएस और पाकिस्तान के इंटरेस्ट कन्वर्ज करते थे, ठीक है, एंड दोज कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट मेड देम टू कॉपरेट। लेकिन करंटली अगर देखा जाए तो हमें कोई एज सच कोई ऐसा मामला नहीं मिलता, ऐसा कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता जिसकी वजह से यूएस और पाकिस्तान आपस में कॉपरेट करें। ऑलराइट, यानी कि दैट मींस के पास्ट में देयर वाज कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, बट करंटली देयर इज़ नो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज़ कम्प्लीट डाइवर्जेंस, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का यूएस के साथ अपने ताल्लुकात बैलेंस रखना, बरकरार रखना काफ़ी हद तक मुश्किल हो चुका है। और पाकिस्तान जो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो पॉलिसीज़ परस्यू करना चाहता है दैट आर परसीव्ड बाय अमेरिका एज एंटी अमेरिका, तो ऑब्वियसली दैट मेक्स इट अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर द फॉरेन पॉलिसी मेकर्स ऑफ पाकिस्तान। और वैसे भी पाकिस्तान जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लाई करता है, और जो करंट इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जो दुनिया जिस जाने बढ़ रही है मल्टीलेटरलिज्म की तरफ से, तो यूएसए ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो चाइना का राइज है और रशिया की जो रिसर्जेंस है वो बिल्कुल भी यूएसए बर्दाश्त नहीं है, और उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना सकता है पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली यूएस की जानिब से प्रेशर डाला जा रहा है कि जो चाइना के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको, उस पर आए दिन क्रिटिसिज्म किया जाता है यूएस की जानिब से, ऐसी रिपोर्ट्स शाया की जाती हैं कि किस प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट को एक रिग्रेसिव प्रोजेक्ट की तरह दिखाया जाता है। पाकिस्तान ने अभी अपने रिलेशंस को रशिया के साथ इम्प्रूव करने की कोशिश की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने विज़िट किया रशिया का, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से काफ़ी पाकिस्तान को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा फ्राम दी यूएस एंड इट्स वेस्टर्न अलाइज। Moreover, you know that Pakistan FATF में है, FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में मौजूद है 2018 से, एंड ये बात तो मानी हुई है कि दीज ग्लोबल हेजमोनिक पावर्स बेसिकली यूज़ दीज इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली द इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, उनको अपने लिए इस्तेमाल करती हैं टू पुट प्रेशर ऑन द वीकर कंट्रीज़, ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज़, ऑन द डिपेंडेंट कंट्रीज़। ये ग्लोबल पावर्स, इनका इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, फिर चाहे IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या इवन के यूनाइटेड नेशंस हो, इन तमाम पर ये ग्लोबल पावर्स जो हैं इनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है, और ये आए वक्त जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है ये इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल करते हुए अपने मफादात को पूरा करने की कोशिश करती हैं ये तमाम ग्लोबल पावर्स। जैसा कि FATF के थ्रू FATF में पाकिस्तान को रखा गया है डिस्पाइट कमेंडेबल प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने की कोई वजह मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को रखा गया है टू पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान से अपनी बातें मनवाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए,
रखा गया है पाकिस्तान को अभी FATF की ग्रे लिस्ट में. सो बेसिकली US इज़ यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू विक्टिमाइज पाकिस्तान, टू विक्टिमाइज अ डिसोबीडियंट पाकिस्तान. और अगर हम करंट जो हमारी पास्ट पिछली गवर्नमेंट थी, PTI की गवर्नमेंट थी इन पावर, अगर हम उसको देखें तो पाकिस्तान की तरफ से US को इस तमाम डिसोबीडियंस का, डिफाइंस का जो सामना करना पड़ा है, रेजिस्टेंस का जो सामना करना पड़ा है, वो इस PTI गवर्नमेंट के दौर में सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि US ट्राइड टू आउस्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फ्रॉम पावर एंड सक्सेसफुली US डिड इट. बेसिकली इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की एक तरह से डिबेट ही यहाँ से स्टार्ट हुई कि व्हाई वुड US ट्राई टू आउस्टर इमरान खान. तो उस पर ये आगे उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि बिकॉज PTI गवर्नमेंट वांटेड टू परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो कि अगेंस्ट US इंटरेस्ट है, तो दैट्स वाई टू प्रोटेक्ट इट्स ओन इंटरेस्ट US मेड दीज प्लान्स टू आउस्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ नेशनल एक्टर्स और द नेशनल पावर्स जो कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ऑब्वियसली. क्योंकि इमरान खान का तो हर लिहाज से उनके तमाम ऑर्डर्स पे, उनकी तमाम डिक्टेशंस पे एब्सोल्युटली नॉट समझिंग रिस्पांस था हर बात में, ठीक है. तो US को अपनी बात मनवाने के लिए यही ज़रूरी था कि रिजीम चेंज हो और ऐसे लोग पावर में लाए जाएं जो कि US की बातों को माने, जिसकी वजह से US का एक डायरेक्ट कंट्रोल हो जाए ओवर दी नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स और फॉरेन पॉलिसी मैटर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाई इट इज़ सेड के दिस वाज द रीज़न व्हाई US वांटेड इमरान खान आउट ऑफ पावर. और उन्होंने पाकिस्तान को प्रेशराइज किया कि वो रशिया के इस एग्रेसिव एक्ट को कंडेम करे, क्लियरली आउटराइटली अनइक्वोकली और कैटेगोरिकली कंडेम करे, जो कि पाकिस्तान ने नहीं किया और इससे मज़ीद वेस्ट एनॉय हुआ. वैसे ये कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर के विज़िट से पहले ही पाकिस्तान पर यह प्रेशर डाला जा रहा था कि पाकिस्तान को रशिया का विज़िट नहीं करना चाहिए, जबकि ये अगर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी फॉरेन पावर को या किसी भी कंट्री को किसी दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हर कंट्री अपने मामलात में इंडिपेंडेंट है, अपनी डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट है. इसके बावजूद वेस्ट की जानिब से, US की जानिब से पाकिस्तान पर मुसलसल ये प्रेशर डाला जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर को रशिया का विज़िट नहीं करना चाहिए. इसके बावजूद पाकिस्तान के इदारों ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मिलकर के एक कंसेंसस बेस्ड डिसीजन लिया कि वो रशिया का विज़िट करेंगे. और राइट एंड एट द एंड उन्होंने ये विज़िट किया एंड ऑन द सेम डे रशिया ने जो है यूक्रेन पे जंग मुसल्लत कर दी. एनीवे उसके बाद US ने और वेस्ट ने ये चाहा कि पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाए कि पाकिस्तान जो है रशिया के इस एग्रेसिव एक्ट को कंडेम करे, यानी कि रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे और यूक्रेन के फेवर में स्टेटमेंट दे, जो कि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया. वैसे तो पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल सा स्टेटमेंट ज़रूर जारी किया था जिसमें उन्होंने यही कहा कि किसी भी मामले का हल जंग नहीं है, क्योंकि हर मामले का हल आपको निगोशिएशन टेबल पे मिल सकता है. सो इसलिए बेहतर यही होगा कि यूक्रेन और रशिया दोनों मिलकर आपस में निगोशिएट करें और इस मामले को हल करें, क्योंकि वॉर इस मसले का हल नहीं है कभी भी. सो एक बहुत ही न्यूट्रल सा स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान ने. इसके अलावा मार्च में जो जिनेवा में एक UN बॉडी की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास करना किया जाना था जिसमें रशिया के एक्ट को कंडेम किया जाना था, तो उसमें पाकिस्तान, इंडिया और इसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज़ थे UAE समेत, जिन्होंने एब्सटेन किया फ्रॉम वोटिंग, ठीक है. तो इससे ऑब्वियसली वेस्ट को और ज़्यादा एनवाइंस हुई और इसके नतीजे में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो अपने यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी जानिब से बिल्कुल ये एक तरह से पब्लिक लेटर्स लिखे गए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जिसमें उनको प्रेशराइज़ किया गया कि आप जो है रशिया के इस एक्ट को कंडेम करो और जो ये रेजोल्यूशन है अगेंस्ट रशिया इसमें वोट करो
अगेंस्ट रशिया। तो ऑब्वियसली इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक पब्लिक गैदरिंग में बात करते हुए कहा कि यूरोपियन जो डिप्लोमेट्स हैं इनकी जानिब से जो लेटर्स लिखे गए थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, उनका हवाला देते हुए कहा कि उसमें पाकिस्तान पर प्रेशर डाला गया है कि वो रशिया के अगेंस्ट बात करें, ठीक है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने आउटराइटली इस बात को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगा, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और पाकिस्तान ही सेड के वी आर नॉट स्लेव्स टू एनीवन। तो बेसिकली उन्होंने जो यूरोपियन कंट्रीज़ की ये डिमांड थी उसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया और ये स्टेटमेंट भी दिया कि वी आर नॉट स्लेव्स टू एनीवन। और उन्होंने साथ में ये सवाल भी उठाया कि क्या यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से क्या इंडिया को भी ऐसा ही कोई लेटर लिखा गया है, क्योंकि इंडिया आल्सो एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग। और साथ ही उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करते हुए ये भी कहा कि यूरोपियन मेंबर स्टेट्स जो हैं उन्होंने कभी भी कैटेगोरिकली जो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं जो कि इंडिया की जानिब से की जाती हैं उनको कभी भी कैटेगोरिकली कंडेम नहीं किया, तो वाई डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस के हम रशिया के अगेंस्ट वोट करें, रशिया के अगेंस्ट बात करें और यूक्रेन का साथ दें। और उन्होंने साफ साफ बिल्कुल ये बयान दिया कि वी सीक फ्रेंडशिप विद एवरीवन, और साथ में इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान रशिया से भी दोस्ती करेगा, चाइना से भी दोस्ती चाहता है, यूएस के साथ, यूरोप के साथ और पाकिस्तान तमाम कंट्रीज़ के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप्स चाहता है, लेकिन अब पाकिस्तान किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक बार फिर उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए ये बयान दिया था। और ये जो एक के बाद एक ये तमाम मामलात सामने आए पाकिस्तान की तरफ से, एक इट्स अ काइंड ऑफ अ इट वाज परसीव्ड एज डिसओबीडियंस फ्रॉम पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली इसने वेस्ट को और यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत एनॉय किया, क्योंकि पाकिस्तान अब भी वेस्ट पर इकोनॉमिकली बहुत डिपेंडेंट है, तो उनसे ये बात बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रही थी कि पाकिस्तान के जो कि एक डिपेंडेंट कंट्री है, जो कि इकोनॉमिकली बहुत डिपेंड करता है वेस्ट पर, वो इस तरह से डिसओबे कर रहा है टू द ऑर्डर्स ऑफ वेस्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और यही वजह है कि यूनाइटेड स्टेट्स को, यूरोपियन कंट्रीज़ को पाकिस्तान पर बहुत गुस्सा है। और वैसे भी ये एक वाइडली हेल्ड परसेप्शन है, ये नोशन पाया जाता है कि जब भी एक डिपेंडेंट कंट्री इन पावरफुल कंट्रीज़ के डिपेंडेंस से, इनकी डिपेंडेंस के ऑर्बिट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो दीज पावरफुल स्टेट्स, दीज ग्लोबल पावर्स मेक ऑल एफर्ट्स, ये तमाम वो स्टेप्स लेते हैं कि जिससे उस कंट्री को हरगिज़ भी उस डिपेंडेंस के ऑर्बिट से ना निकलना दिया जाए, बल्कि मज़ीद उनके लिए मुश्किलों को और परेशानियों को और इंस्टेबिलिटी को उनकी कंट्री में बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, एज अ पनिशमेंट। और यही सब पाकिस्तान के साथ भी करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम इस ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो कहीं ना कहीं हम ये कह भी सकते हैं कि इट वाज ऑल अ कॉन्स्पिरेसी टू आउस्टर इमरान खान। लेकिन इस पर ऑब्वियसली ओपिनियंस पाए जाते हैं, लेकिन एट द एंड वी ऑल नो दैट ये ग्लोबल पावर्स अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, और ये हर वो काम करने की कोशिश करेंगे, हर उस फैक्टर को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे जो कि इनकी पावर को चैलेंज करने की कोशिश करे। ऑलराइट, सो इस बात का फैसला अब आप ख़ुद भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, या कुछ ऐसे मौके थे जब पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू की, और अब ये भी बात समझ सकते हैं कि अब पाकिस्तान के लिए इस चेंजिंग रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ के हिसाब से पाकिस्तान के लिए एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करना किस हद तक मुश्किल हो चुका है और उसमें क्या क्या ऑब्स्टिकल्स पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट कि क्या पाकिस्तान के पास एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है या नहीं। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस टॉपिक, लेट्स एंड इट हियर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।